नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर लोकसभा सीट से सांसद चरणजीत सिंह चन्नी सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में हुए नतमस्तक, देशवासियों को दीपावली की दी शुभकामनाएं। जिलाधीश जालंधर और एसएसपी ने बुराया कि धान मंडियों का किया दौरा, किसानों को अब तक 600 करोड़ रुपयों का हुआ भुगतान। और अब हलचल विस्तार से। दीपावली के शुभ अवसर पर जालंधर लोकसभा सीट से सांसद चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब प्रदेश कांग्रेस पार्टी के महासचिव मनु वड़िंग सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में नतमस्तक होने के लिए पहुंचे। इस दौरान सर्वप्रथम सांसद चन्नी ने श्री देवी तालाब मंदिर के मुख्य दरबार में माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया, जिन्हें मंदिर कमेटी के कोषाध्यक्ष पविंदर बहल की ओर से मां की चुनरी देकर सम्मानित किया गया, जिसके पश्चात सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने सरोवर तटवासिनी मातृपुर मानी के दरबार में भी माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर सांसद चन्नी ने कहा कि सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर उत्तर भारत के 52 शक्तिपीठों में से एक है, जिसकी अपनी अलग ही मान्यता है। उन्होंने कहा कि इस मंदिर का नाम सरोवर यानी कि श्री देवी तालाब मंदिर सरोवर के नाम से भी जाना जाता है, और इस सरोवर में अक्सर पानी दूषित हो जाता है, जिसे साफ रखने के लिए मंदिर कमेटी को एक प्रोजेक्ट तैयार करने की बात कही गई है, ताकि इस पवित्र सरोवर में आने वाले श्रद्धालु स्नान कर सके। इस दौरान उन्होंने मंदिर कमेटी सदस्यों को ये विश्वास भी दिलाया कि वे इस प्रोजेक्ट में अपना पूर्ण सहयोग देंगे। इस अवसर पर मंदिर के सेवादार भूषण कोहली, रमन शर्मा, यश चड्ढा भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ संदीप शर्मा की रिपोर्ट। दिवाली दे शुभ मौके ते देवी तालाब मंदिर दे विच जेड़ा के एक बहुत बड़ा सिद्ध शक्तिपीठ है, 54 शक्तिपीठ है अपने इत्थे, जिहदे चों इह 13वां शक्तिपीठ है। इत्थे नतमस्तक होण आया, दिवाली दीआं सारिआं नूं शुभकामनावां। मैनूं मंदिर दी कमेटी मिली है, मैं इन्हां नूं बेनती कीती है कि जिहड़ा साडा इह तालाब है, क्योंकि देवी तालाब मंदिर दे नाम ते ही मशहूर है मंदिर, सो इह तालाब दा पाणी गंदा हो जांदा है, इस नूं सफाई करन वास्ते मैं इन्हां नूं बेनती कीती है कि आपां इक प्रोजेक्ट बनाईए तां कि इत्थे दा पाणी बहुत साफ रहे ते हमेशा जिहड़े श्रद्धालु इत्थे दर्शन करन आउंदे, जे उह इशनान भी करना चाहुंदे तां कर सकण। सो उहदे वास्ते कमेटी ने मैनूं विश्वास दवाया कि असीं छेती प्रोजेक्ट बनावांगे, जो मेरा योगदान इहदे विच पै सकदा होएगा तां मैं उहदे लई धन्नता दा पात्र होऊंगा। जालंधर में धान की खरीद प्रक्रिया पूरी तरह से सुचारू ढंग से चल रही है। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल और एसएसपी हरकमलप्रीत सिंह खख ने हाल ही में मंडियों का दौरा करते हुए इस पर निरीक्षण किया और खरीद प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि अब तक किसानों को 600 करोड़ रुपयों से अधिक का भुगतान किया जा चुका है, जिससे सरकार की समय पर भुगतान करने की प्रतिबद्धता दिखाई देती है। डॉक्टर अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे मंडियों में लिफ्टिंग की प्रक्रिया को तेज करें, ताकि धान की फसल जल्द से जल्द उठाई जा सके और किसानों को किसी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि खरीद के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी। यदि किसी किसान को किसी प्रकार की परेशानी हो तो वे संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर अग्रवाल ने ये भी स्पष्ट किया कि जालंधर जिला में किसी भी शेयर मालिक को ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया। उन्होंने जनता से अपील की कि वे किसी भी तरह की फेक न्यूज़ पर ध्यान ना दें और केवल अधिकृत स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करें। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। अज जी मैं साढ़े जिले के एसएसपी साहब, गुराया मंडी के चेयरमैन साहब, साढ़े जिला मंडी अफसर, बाकी सारे अफसर साहिबान इतने गुराया मंडी के आए हैं। सरप्राइज इंस्पैक्शन असी की है जी, इतने आके असी देखा सारे साढ़े जेडे स्टेक होल्डर ने, किसानों नाल भी गल की, आड़तियों नाल भी गल की हैगी,
ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬੜੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਡੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਡੀ ਬੜੀ ਹੀ ਸਮੂਥ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਵੇਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ DSP STM ਸਾਹਿਬਾਨ DM ਸਾਹਿਬਾਨ। जालंधर स्वास्थ्य आपातकाल और हादसों में कीमती जवानें बचाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से चेतना प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत छात्रों को जीवन रक्षक कौशल की ट्रेनिंग दी जाएगी। उपायुक्त डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल ने रेड क्रॉस भवन में चेतना प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसके तहत 14 वर्ष से अधिक उम्र के छात्रों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा लाइफ सेविंग स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस परियोजना का उद्देश्य छात्रों में मानव जीवन बचाने के प्रति जागरूकता पैदा करना है। उपायुक्त डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल की इस विशेष पहल के माध्यम से जिला प्रशासन में करीब 10,000 वॉलंटियर तैयार होगा, जो हादसों या अन्य कारणों से बेहोश हुए व्यक्तियों की जान बचाने के लिए सदैव सतर्क रहेंगे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਮਿੱਤਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾਈ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣਿਆ, ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਲਿਟਰਲ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਬਟ ਇਟਸ ਐਨ ਇਕਰੋਨਿਮ। ਇਕਰੋਨਿਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। चेतना की असि जी डेफिनेशन सिटीजन हेल्थ एमरजेंसी ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। श्री राज राजेश्वरी कामाख्या देवी मंदिर कोट सदीक मंदिर कॉलोनी नजदीक वखला पुल जलंधर की तरफ से साप्ताहिक माँ मंगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें पंडित राजेश शर्मा, पंडित अविनाश गौतम ने गणेश पूजन, नवग्रह शोषोपचार पूजन करवाकर मुख्य यजमानों से हवन यज्ञ में आहुतियाँ डलवाईं। इस अवसर पर संजीव बजाज, मरवेश कपूर, नीरज कपूर, राजेश शर्मा, रोहित बहल, संजीव चड्डा, डॉक्टर जसबीर अरोड़ा, इंद्रजीत छाबड़ा, मुनीश हांडा, विजय हांडा सहित अन्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। अंत में भव्य लंगर भंडारी का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। जय माँ बगलामुखी, जय माँ कामाख्या। राज राजेश्वरी कामाख्या देवी मंदिर कोट सदीक नजदीक गाखला पुल जालंधर में दीपावली के शुभ अवसर पर साप्ताहिक हवन यज्ञ माँ बगलामुखी जी के निमित्त किया गया, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने आकर के बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सभी भक्तों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी जी हमेशा इनके यहाँ भंडार भरे, इनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और जो भी भक्त यहाँ पर आए माता रानी, उन सभी भक्तों की मुरादें पूरी करना, उनकी झोलियाँ भरना, जो भी उनकी मनवांछित इच्छाएं उन सभी को आप पूर्ण करना। जय माँ बगलामुखी, जय माँ कामाख्या। अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से साप्ताहिक माँ बगलामुखी हवन यज्ञ का आयोजन प्राचीन शिव मंदिर दमोरिया पुल में श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें आचार्य पंडित चक्रदेव जोशी ने वैदिक मंत्रोच्चारण कर सभी देवी देवताओं का आवाहन कर अग्नि प्रज्वलित कर हवन यज्ञ में मुख्य यजमान सतीश महाजन से आहुतियाँ डलवाई। तो ही अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के अश्विनी यादव ने बताया कि ये हवन यज्ञ श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर एवं गुरु माता नीरज रतन सिकंदर जी की प्रेरणा से हर सप्ताह करवाया जाता है। भक्तों द्वारा हवन यज्ञ में आहुतियाँ डालकर विश्व की मंगल कामना की गई। इस अवसर पर श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर एवं गुरु माता नीरज रतन सिकंदर जी ने सभी देशवासियों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं भी भेंट की। इस अवसर पर देवेश्वराम सिकंदर, पंडित चक्रदेव जोशी, अश्विनी कुमार यादव, अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की महिला विंग की लक्ष्मी शर्मा, पूजा शर्मा, मीना जैन, राधा अरोड़ा, बलजीत कौर सहित असंख्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ संदीप शर्मा की रिपोर्ट। माँ भगवती के इस पावन दरबार में जितने भी श्रद्धालु आए हैं उन सबको
दीपावली के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। और जो हमें घर बैठ के ही मीडिया के जरिए हमें देखते हैं, वीडियो लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उन सबको भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। पीछे मैंने 3 दिन पहले ये डाल दिया था कि 31 अक्टूबर को दीपावली होगी, तो कई व्यक्तियों ने फोन किया मेरे को कि गुरुजी लोग तो 1 तारीख को कह रहे हैं। तो मैं आप सबसे खासतौर पर जितने हमारे यहाँ पर श्रद्धालु हैं आप सबको ये कहता हूँ, आप खुशकिस्मत हो कि एक के साथ एक आपको फ्री मिल रहा है, ठीक है ना। पहले तो टी शर्ट या कोई और चीज़ें लेने जाते थे बाजार में तो एक के साथ एक फ्री मिलती थी, लेकिन अब कुछ लोगों के कारण त्यौहार भी हमें एक के साथ एक फ्री मिलता है। लेकिन हमारा जो विधान है, हमारा जो संस्कार है, उसको खास तौर पर ठेस पहुंचाई जा रही है हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के लिए। देखिए, परसों धनतेरस थी, कल चौदस थी, तो आज अमावस्या ही होगी ना। अमावस्या कल तो हो ही नहीं सकती, एक दिन छोड़ दें हम। और ये चीज ऐसी है कि हम जो साधक लोग हैं पूरा साल इस दिन की, इस महानिशा की हम वेट करते हैं कि रात को पूरी रात जागेंगे, यंत्र सिद्ध करेंगे, आपके लिए पूजन करेंगे और फिर आपको बाद में देंगे ताकि आपके घर परिवार में सुख शांति की वास रहे। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जालंधर लोकसभा सीट से सांसद चरणजीत सिंह चन्नी स्थित शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में हुए नतमस्तक, देशवासियों को दीपावली की दी शुभकामनाएं। जिलाधीश जालंधर और एसएसपी ने बुराया कि धान मंडियों का किया दौरा, किसानों को अब तक 600 करोड़ रुपयों का हुआ भुगतान। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।